बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। मिस इरम हियर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू डिस्क्राइब अबाउट द मैप्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5, द लैंड एंड एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड साउथ एशिया। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन द मैप क्वेश्चन इन योर कॉपी। क्वेश्चन, इन एन आउटलाइन मैप ऑफ साउथ एशिया शो पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड नेपाल। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले साउथ एशिया मैप लेंगे, आउटलाइन मैप, और उसके बाद आपको ये कंट्रीज जो में फाइंड करके, लोकेशन फाइंड करके, उसमें एग्जैक्ट इसकी लोकेशन पर आप इन कंट्रीज़ को मार्क करेंगे। राइट, कितनी कंट्रीज़ आपसे पूछी जा रही है? पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड नेपाल। ये 7 कंट्रीज़ के आपको लोकेशन जो है वो अपने मैप में फाइंड करनी है। राइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने आउटलाइन मैप ऑफ साउथ एशिया लिया। ये एग्जांपल के लिए मैं आपके पास जो है वो मैप लेकर आई हूँ आपके सामने, ताकि इसके हेल्प से आप अपना मैप सॉल्व करें और इसकी प्रैक्टिस करें। राइट, अब इनमें क्या करना है हमने, इस मैप में सबसे पहले आपने लोकेशन देखनी है कि किस लोकेशन में कौन सा कंट्री, किस कंट्री की कौन सी लोकेशन है। ठीक है, जैसे अब आप आइए यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि यह हमारी लोकेशन जो नज़र आ रही है, यह हमारी कंट्री की नज़र आ रही है, यह आप देख रही कि यह हमारे मुल्क का मैप शो हो रहा है यहाँ पर, तो आप इधर क्या लिख देंगे, यहाँ पर मैंशन करेंगे पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइए, तो नेक्स्ट में आप देखेंगे ये जो है बराबर में इसके, ये इंडिया है, तो यहाँ पर आप इंडिया मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर इंडिया के ऊपर आप जाएं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कंट्री है ये नेपाल है, ये नेपाल की लोकेशन है, यहाँ पर आप नेपाल लिख देंगे। अब नेपाल के बराबर में ये जो छोटा सा कंट्री नज़र आ रहा है ये भूटान है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, भूटान का नाम मेंशन करेंगे। जैसे अंदर नहीं आएगी नाम, तो आप इस तरह ऊपर लिखकर भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर लिख के और भूटान को मार्क कर दीजिए, छोड़ दीजिए। एग्जैक्ट इसी के नीचे आप आइए, तो यहाँ पर ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश की लोकेशन है, इसमें आप बांग्लादेश लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे ये कंट्रीज़ हो गए 4। अब इसके बाद 5 कंट्रीज़ आपने मेंशन कर लिए, अब रह गए श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो श्रीलंका जो है आप देखेंगे इंडिया के एक साइड पर है, श्रीलंका यानी कि साउथ ईस्ट साइड पर, आप देखें नीचे साउथ श्रीलंका, और जो इसके साउथ वेस्ट पे है तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा मालदीव्स। ठीक है, ये सब लोकेशन स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है ये मैप कि इसको सॉल्व करने के लिए साउथ एशियन कंट्रीज़ को, तो आपको लोकेशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि किस साइड पर मालदीव्स को आपको लिखना है और किस साइड पर श्रीलंका की लोकेशन है। इस लोकेशन में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, इन लोकेशंस को आप अपने मैप में लिख के इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और यही आपका होमवर्क हैगा। ठीक है, ओके, ये मैप आपका डन हो गया है। ये आपकी जो 7 कंट्रीज़ आपसे पूछे जा रहे थे, ये आपने फाइंड करके इस तरह से आपको नाम लिखने हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर। जी स्टूडेंट्स, मूव ऑन नेक्स्ट मैप, मैप नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो नोट डाउन मैप क्वेश्चन नंबर, मैप नोट डाउन इन योर कॉपी। इन एन आउटलाइन मैप ऑफ साउथ एशिया शोज द मिनरल्स विच आर फाउंड इन साउथ एशिया लाइक आयरन, लाइमस्टोन, कोल, सॉल्ट, ऑयल सीड्स, गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। इसके बाद आप इसकी सबसे पहले क्या बनाएंगे, की से इसके सिंबल्स आप शो करेंगे।
जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने की में मिनरल्स के नेम्स लिखे। मिनरल्स नेम लिखने के बाद आप इसके सिंबल्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि इस तरह से आप अपने मैप में इसको लेबल कर सकें। इसके थ्रू आप जो अपने मिनरल्स को शो कर सकें, राइट? जी स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में, आपसे मैप में क्वेश्चन किया जा रहा है इन एन आउटलाइन मैप ऑफ साउथ एशिया, यानी कि आउटलाइन मैप लें साउथ एशिया का और जिसमें आप शोज करें मिनरल्स को। किन मिनरल्स को? विच आर फाउंड इन साउथ एशिया, यानी कि आपको तलाश करना है साउथ एशिया में कि ये जो आपको नीचे दिए गए मिनरल्स हैं ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में इनकी यानी कि कितनी परसेंट ये मौजूद हैं, कौन कौन से इनकी रेंज जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ मौजूद है। ओके, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास साउथ एशिया मैप है। साउथ एशिया मैप में अब आप आइए अपने कंट्री से स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आप इसे फाउंड करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स की जो फाइंड की जाती हैं, मतलब जो इसकी यहाँ पे माइन है, ठीक है ना, कौन सी, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट की माइन, आपको पता है कि यहाँ पे नमक की कानें हमारे मुल्क में मौजूद है, आयरन है, ऑयल सीड है, ये सब हमारे यहाँ डिस्कवर किया जाता है। हमारे मुल्क में इन सब की यानी कि कानें मौजूद हैं, जैसे कि आप अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में कि हमारे मुल्क में कौन कौन सी यानी कि मिनरल्स मिलते हैं। जैसे गैस की मिलती है लाइन, आपको पता है गैस की कान मिलती है, सुई गैस भी हमारे मुल्क में डिस्कवर है, लाइमस्टोन है, ठीक है ना, ये सब आपको मालूम है कि ये सब क्या है, ये मिनरल्स हैं, राइट? इसी तरह अब आप इसको किस तरह शो करेंगे, यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का अपने मुल्क का नाम लिखने के बाद, कंट्री नेम लिखने के बाद आपने ये सिंबल्स शो किए। जैसे ये गैस है तो गैस के आपने ये सिंबल बनाया। इसी तरह ये ऑयल सीड है तो इसको ऑयल सीड में कि हमारे मुल्क में गैस की भी है, ऑयल सीड, सॉल्ट, आयरन, लाइमस्टोन, ठीक है, इसको आपने इसमें शो कर दिया। इसी तरह आप इसके बाद आइए नेक्स्ट इंडिया पे। यहाँ इंडिया में मेंशन किया कंट्री और इंडिया में आप देखेंगे कि किन किन मिनरल्स की जो है वो काने मौजूद हैं, ठीक है। जैसे अब आप पोल देखेंगे तो ये इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में ये लोकेशन इसकी शो हो रही है कि कहाँ कहाँ इसकी मेंशन हो रही है कि कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन मौजूद है काने कोल की यानी कि कोयले की, ठीक है। इसी तरह लाइमस्टोन मौजूद है, यानी कि इंडिया की जो ऊपरी अपर साउथ अपर साइड भी और लोअर साइड भी। इसी तरह ऑयल सीड है, ऑयल सीड को आप देख लीजिए, इसी तरह आप सिंबल बनाकर और आप लेबल करेंगे। आयरन है, ठीक है, इसी तरह आप ये सारे मिनरल्स को इंडिया में आप शो करेंगे, राइट। अब आइए नेपाल पे, नेपाल पे कोई यानी कि मिनरल शो नहीं हो रहा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए कि ये जो हम मिनरल्स पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि नेपाल में मौजूद नहीं है। इसी तरह भूटान देखिए तो भूटान में भी इसकी कोई कान मौजूद नहीं है, ठीक है, ना नेपाल में और नहीं भूटान में। अब आइए बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में हमें क्या मिलता है, बांग्लादेश में आप देखेंगे आयरन की और गैस की, ठीक है, ये गैस का सिंबल बना हुआ है और ये आयरन का, तो इन दो चीज़ों की बांग्लादेश में कान मौजूद है। अब आइए नीचे, जी नीचे अब आइए श्रीलंका, श्रीलंका में आप देखें तो कोई मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके बाद मालदीव्स में भी आप देखेंगे तो मालदीव्स में भी नहीं है। तो ये स्टूडेंट, ये आपका मैप है, इसको आप इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया में इन मिनरल्स को आप डिस्कवर करेंगे, इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। दी स्टूडेंट्स, देयर आर अ नंबर ऑफ आयरन माइंस इन पाकिस्तान विद गुड रिजल्ट्स, विद गुड रिजल्ट्स, राइट। देयर आर वेस्ट अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन which is used for buildings, more important for making cement, right? Salt, the hills of salt range in the Punjab, very huge deposits of salt,
that is used in the chemical industry, right? Natural gas, Pakistan has excellent supplies of natural gas. अब आते हैं पाकिस्तान पे, सॉरी इंडिया पे. इंडिया में कोल हैज़ रिजर्व्स, इंडिया हैज़ लार्ज कोल रिजर्व्स, राइट, द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड अलोंग विथ नेचुरल गैस एंड सम ऑयल. ठीक है, इसी तरह अब आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में आयरन ओर के भी फेयरली लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर विच इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रीज. ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना ऑयल, आयरन ओर, जी राइट. अच्छा, अब श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका इज़ ऑल्सो रिच इन मिनरल्स बट सेमी प्रीशियस एंड प्रीशियस जेम स्टोन्स आर ऑल्सो माइंड. ठीक है, यानी कि इंडिया, श्रीलंका में जो मिलते हैं, श्रीलंका भी रिच है मिनरल्स में, लेकिन किस में, जैम स्टोन्स में, यानी कि सेमी प्रीशियस और प्रीशियस यानी कि कीमती पत्थर जो है वहाँ पर जितने भी वो वहाँ पर श्रीलंका में मिलते हैं, राइट. जैसे लाइक रूबीज, सफायर्स, गार्नेट्स, ये सारे जितने भी यानी कि कीमती पत्थर हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मिनरल्स इनकी माइन पाई जाती है श्रीलंका में. ओके स्टूडेंट्स, अभी आप इसी तरह इस पूरे मैप को इसी तरह आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके इसके सिंबल्स किस तरह आप पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज़ के जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इसके आप नाम लिखेंगे कंट्रीज़ के, उसके बाद इन मिनरल्स के नाम लिखेंगे, इनके सिंबल्स बनाएंगे, सही, और डिफरेंट कलर से इसको ज़रा हाईलाइट करेंगे. ठीक है, जैसे आपके पास मैंने ये एग्जांपल के आपको ये मैप दिखाया है, इसी तरह आप इसको इसी तरह डिफरेंट कलर से जो है वो हाईलाइट करेंगे. ओके, ये आपका होमवर्क है कि ये दोनों मैप्स आप, इस मैप्स को आप डन करके अपने रिवीजन कॉपी में आप पेस्ट करेंगे. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.